अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग गुड टाइम एट योर होम. टुडे इज 12th of April 2021, डे इज मंडे एंड यू आर हैविंग योर साइंस लेसन विद मी. द चैप्टर दैट वी आर रीडिंग दीज डेज इज अबाउट यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी. एंड द टॉपिक दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन आवर टुडे साइंस लेसन इज अबाउट द ह्यूमन आई. But before we talk about our today's new topic, let us all just revise that what we have learned in our previous lesson of science. So who is going to tell me, like, what was the name of the topic that we have learned in our previous lesson? Very good. It was about the skin. The skin is the largest organ of the human body. We have talked that the skin is the largest organ of the human body. Why we are calling it the largest organ? Because it has covered all our body. It is holding everything inside it. Also, it gives us sense of touch. It protects our body from different diseases, and it's acting like a bodyguard. जैसे हमारे बॉडी पे कोई भी जर्म अटैक करता है तो सबसे पहले वो हमारी स्किन से फाइट करता है और उसके बाद फिर कोई जर्म हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है. देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करती है स्किन. एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड दैट ऑन डेली बेसिस अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 40,000 डेड सेल्स आर फॉलिंग फ्रॉम आर स्किन and new cells are growing. The dead cells you are able to see in the form of dryness on your skin. अभी भी आजकल के वेदर के अकॉर्डिंग आप देखो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है. Why is that? Because हमारी जो आजकल एयर है, जो विंड है, that is not very humid. इसमें वाटर प्रेशर बहुत कम है, ड्राई एयर है, और ड्राई एयर की वजह से जब वो हमारी स्किन पे फॉल करती है तो हमारी स्किन में भी ड्राइनेस हो जाती है और सेल्स जो है वो ड्राई होकर डेड हो जाते हैं, जो आपकी स्किन पे आपको ड्राइनेस की वजह से नज़र आ रहे होते हैं. दिस वॉज द रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेसन दैट वी हैव डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज साइंस लेसन दैट इज अबाउट द ह्यूमन आई. आई इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर एबल टू सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज वी आर having the eyes. So we always be thankful to Allah for each and every small and big blessing that He has blessed us with, like your eyes. Let just imagine for a while, or if you just close your eyes for a few seconds, are you able to see anything around you? No, you are not, because आपको eyes के बगैर कुछ नज़र ही नहीं आता. So just for a few seconds, think about the people who are not having the eyesight, जिनकी eyesight नहीं होती है और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहे होते हैं. तो हमें अल्लाह ताला की हर नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए. हमें कोई छोटी सी चीज़ नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि हम तो बहुत बुरे हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. बट हम ये नहीं सोचते कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास वो चीज़ें हैं जो शायद किसी और इंसान के पास नहीं है. We should always be thankful to Allah Taala. और ये आपको अपनी habit बनानी चाहिए कि कुछ भी आपके पास हो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें और अच्छी चीज़ें देते हैं. ठीक है. So this was a part of your lesson. Also we have studied that. Okay, now let's talk about the structure of the eye. See, grade 3, when we are talking about the eye, कि हमें eyes से नज़र आता है, हम eyes की वजह से ही, because they provide us the sense of sight, इसे हमें sense of sight के बारे में पता चलता है, and that's the reason we are able to look around the things. While talking about the structure of the eye, it is having
द आई लैशेज, जैसे अभी आप बोर्ड पर देख रहे हो, आई हैव मेड अ वेरी बिग आई, सीम्स लाइक आई हैव मेड द आई ऑफ एन एलिफेंट, बट आई हैव मेड इट सो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, कि आपको नज़र आए और आपको पता चले. जो भी मैंने हेयर्स बनाए हुए हैं दे आर कॉल्ड द आई लैशेज. जैसे आप अपनी फिंगर से आपकी आई के ऊपर जो हेयर्स हैं उनको टच करो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईब्रोज, मैं आईज के ऊपर जो हेयर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ. दे आर कॉल्ड आई लैशेज, उनको हम आई लैशेज कहते हैं. और फिर अगर आप अपनी आईज क्लोज करो तो आपकी आईज के ऊपर जो स्किन आती है उसको हम आई लिड कहते हैं. व्हाट वी से इट आई लिड. तो आईज की बात करने से पहले वी आर हैविंग टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आई लैशेज एंड आई लिड. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, यू हैव टू थिंक एंड देन लेट मी नो ऑन बाय कमेंटिंग ऑन द सेशन. जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपने कमेंट करना है दैट व्हाट डू यू थिंक, व्हाई अल्लाह ताला हैज़ मेड आई लिड एंड आई लैशेज. अल्लाह ताला ने हमारी आईज में आई लैशेज या फिर आई लिड क्यों बनाया हुआ है? जस्ट थिंक अबाउट इट. Very good, you are thinking it very right. जैसे आप देखो हमारे पास कोई चीज़ होती है घर में, cooking आपकी मामा करती हैं, तो while cooking every utensil has its cover, उसका cover होता है. हम कोई भी जो खाना बनाते हैं उसको cover करते हैं, क्यों? ताकि उसमें कोई dust या फिर कोई गलत चीज़ ना चली जाए, ठीक है? उसको cover करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो सके. सेम इज़ द रीज़न दैट अल्लाह ताला हैज़ मेड आर eyelid, eyelid बनाया हुआ है ताकि हमारी आईज को प्रोटेक्ट कर सकें और हमारी आईज के अंदर कोई भी डेंजरस चीज़ ना जा सके. वन थिंग आई लैशेज का क्या रीज़न हो सकता है? अब आप आजकल के वेदर के अकॉर्डिंग देखो, इट्स वेरी विंडी आउटसाइड, हर जगह डस्ट होती है, और जब आप बाहर ट्रेवल कर रहे होते हैं ऑल द डस्ट इज़ गोइंग इन टू योर आईज, और आपके आई लैशेज जो हैं वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को आपकी आईज में जाने से रोक रहे होते हैं ताकि आपको आईज में कोई भी इरिटेशन ना हो. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ आई लिड एंड आई लैशेज. वाइल टेलिंग यू अबाउट दिस आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विद यू. आपको पता है कैमल्स के बारे में, इट्स एन एनिमल, एंड वेयर डज द कैमल लिव? वेरी गुड, इट लिव इन डेजर्ट्स. एंड हाउ डज द डेजर्ट्स लुक लाइक? दे आर ऑल मेड ऑफ सैंड, उसमें बहुत सारी सैंड होती है, हवा चल रही होती है, एंड एवरी वेयर इज द सैंड, और बहुत डस्टी सा इन्वायरमेंट होता है. यू नो वट, अल्लाह ताला, क्योंकि कैमल ने तो वहीं पर रहना होता है और हर टाइम वहाँ पर रेत हवा की वजह से उड़ रही होती है, तो अल्लाह ताला ने कैमल की आईज में आईलिड और आई लैशेज के साथ साथ एक और बड़ी थिन सी लेयर बनाई हुई है उसकी आईज में. उसकी आंखें खुली होती हैं लेकिन वो लेयर उसकी आंखों के सामने आ जाती है जिससे वो डस्ट को आईज में जाने से रोकती है. अब क्योंकि उसने हमेशा डेजर्ट्स में ही रहना होता है तो डेजर्ट में जब बहुत तेज़ हवा चलती है तूफान आता है तो वो डस्ट उसकी आईज में नहीं जाती, वो थिन लेयर उसकी आईज को प्रोटेक्ट करती है डस्ट से, ठीक है? सो कैमल में ये क्वालिटी है उसकी आईज में कि उसके आईलिड के अलावा उसमें एक थिन लेयर भी होती है जो डस्ट को उसकी आईज में जाने से रोकती है. वो हमारे ह्यूमंस के साथ नहीं होता क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं होता, और अगर हम डेजर्ट एरिया में जाते हैं तो हमें अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो एनिमल्स को अल्लाह ताला ने इस तरह के कुछ फीचर्स दिए हैं जिसमें वो नेचुरली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, अब हमने आईज के बारे में बहुत सारी बात कर ली. आई वॉन्ट टू शो यू द मॉडल ऑफ द आई, लाइक हाउ डज एक्चुअली द आईज लुक लाइक, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए. सो आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग. This is the model of the human eye. This is how the eye looked like. Let me just take the verb. I will open it and then I'll tie it again. This is the upper part of the eye. Upper se aise. और दिस थिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द आई, सबसे बाहर वाली जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं लेंस, आई लेंस कहते हैं. जो आपकी आईज में जो सबसे आउटर चीज़ होती है उसको आई लेंस कहते हैं. दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक. आई हैव टेकन इट आउट. देन वी हैव दिस पार्ट ऑफ द आई. आप सब ने वीडियो वॉच करते हुए पॉज करके 2 सेकंड्स के लिए मिरर देखना है लाइट में. जब आप लाइट में मिरर देखोगे तो आप
आपको पता चलेगा कि आपकी आईज का जो कलर है वो डिफरेंट होता है. सम पीपल आर हैविंग द ब्लू ब्लैक कलर, सम आर हैविंग द लाइट ब्राउन, सम आर हैविंग द डार्क ब्राउन. तो हम सब की आईज का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है. इस कलरफुल पार्ट को हम कहते हैं आयरिस, व्हाट वी कॉल इट, आयरिस. और ये देख रहे हो आप होल आपको नज़र आ रहा है, इसको प्यूपल कहते हैं. अब इस होल का क्या पर्पस होता है आपको पता है? जब आपको लाइक बहुत कम लाइट है किसी रूम में, आप देख रहे हो और कोई चीज़ आप फाइंड कर रहे हो, तो लाइट कम होने की वजह से आप ज़्यादा आंखें खोलकर गौर से देख रहे होते हो. या फिर अगर आपकी बुक पे कोई स्मॉल राइटिंग में वर्ड्स राइट किए होते हैं तो यू हैव टू सी इट ओपनिंग योर आइज़ वाइड. आप अपनी आइज़ को वाइड ओपन करके फिर देख रहे होते हो. तो जब आप अपनी आइज़ को ज़्यादा और कम करते हो, या फिर अगर कोई चीज़ बहुत दूर है तो अपनी आइज़ को श्रिंक करके आप देखते हैं, तो ये प्यूपल का काम होता है कि वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिससे आपको कोई चीज़ छोटी या बड़ी या फिर क्लियर नज़र आती है. ठीक है, इसको हम आयरिस कहते हैं और इस होल को प्यूपल कहते हैं. ओके, अब इसके बाद ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये आपकी आईज़ के पीछे होता है, ताकि अगर आप अपनी आईज़ को हल्का सा प्रेस करो बाहर वाली साइड से तो वो अंदर वाली अंदर जाती हैं. फिंगर के साथ आईज़ के ऊपर हाथ रखें, ऐसे अपनी आईज़ के ऊपर हाथ रखो लाइक दिस, तो आप उसको जब प्रेस करोगे तो हल्की सी अंदर जाएगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ होती है, जेली लाइक सब्सटेंस. ये सॉफ्ट सा होता है आईज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. आईज़ हार्ड तो नहीं हो सकती बिकॉज उन्होंने हर साइड पर मूव करना होता है. आप सामने देखते हुए अपनी आईज़ को हर तरफ मूव कर सकते हो. You have to do it so that you get to know, you have the idea. This bigger part is called the retina. इसको हम retina कहते हैं. Retina का purpose होता है कि आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है उसको clear करके दिखाए. Okay? And these things that are present in the eye, ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, these lines, these are the nerves. इनको हम optic nerves कहते हैं. इन nerves का connection होता है brain के साथ, क्योंकि आपको हर चीज़ ब्रेन नहीं बतानी होती है ना कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द आई. नाउ एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द आई. यू नो वॉट, जब आप पहली दफ़ा किसी भी चीज़ को देखते हो आपको स्ट्रेट सीधी नज़र नहीं आती है, इट विल लुक लाइक अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन का मीनिंग है, लेट्स सपोज आई एम होल्डिंग दिस मार्कर इन माई हैंड. अब इस मार्कर की अपसाइड डाउन क्या होगी? इट्स अपसाइड डाउन विल बी लाइक दिस, कि इसका कैप नीचे होगा और टेल वाला पार्ट ऊपर. इसको कहते हैं अपसाइड डाउन. अगर मैं इसकी अपसाइड डाउन करूँ तो ऐसे होगा लाइक दिस. तो आपकी आईज जो आपको फर्स्ट इमेज दिखाती हैं वो ऐसा होता है कि आप इस बोर्ड मार्कर को देख रहे हो, आपके ब्रेन में ऐसा नहीं नज़र आएगा, आपके ब्रेन में ऐसा नज़र आएगा, आपकी आईज़ को ऐसा नज़र आएगा. और फिर आपकी ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन को मैसेज करेंगी और वो फ़ौरन से इसको सीधा करके आपको दिखाएगा. इसलिए हमें फील नहीं होता कि कोई चीज़ उल्टी नज़र आ रही है, हमें हमेशा स्ट्रेट चीज़ नज़र आती है, बट रियल में वो चीज़ ऑपोजिट होती है. तो ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया एंड देन दे हैव गिवन अस द आइडिया. इनिशियली आपकी आईज़ को हर चीज़ अपसाइड डाउन नज़र आती है, बट ऑप्टिक नर्व्स आपके ब्रेन को मैसेज कन्वे करती हैं और वो उसको फ़ौरन से सीधा करके आपको दिखाता है. और ये काम इतनी जल्दी होता है कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने शायद किसी चीज़ को उल्टा देखा है. ये हमें कैमरे से आइडिया होता है. जब आप कैमरे से कोई पिक्चर क्लिक करते हो ना तो आप देखो आपको वो अपोजिट नज़र आती है. तो उस कैमरा और ह्यूमन आई दे आर वर्किंग लाइक द सेम उनका यू नो वे ऑफ वर्किंग होता है. So this is all about the human eye. It's having few parts. Let me just arrange it once again. ये इसका नीचे वाला पार्ट है, that is present at the lower. This is what we call the retina. इसको हम retina कहते हैं, जो light को focus करता है and keep the image clear to you. Then it's have this jelly-like substance on this place. This is what we call iris, the colored part of the eye. It has to be there. And the outermost part of the eye is called lens of the eye, जिसको हम कुछ लोग artificial lens use करते हैं, जिनकी eye sight का problem होता है तो वो ये वाला lens change करते हैं. And this is the outer part of the eye, और इसके outer और inner दोनों parts पर we are having the nerves that are conveying the message to our brain, और फिर हमारा brain हमें बताता है what ever we are looking at. Okay? And this is how the eye looks like from front side, from this side and from the back side. Ab there must be a question in your mind that what are these things? Grade 3, these are the optic nerves.
आइज का जो साइंटिफिक टर्म है वो ऑप्टिक को होता है, जैसे हम ग्लासेस को ऑप्टिकल्स भी कहते हैं। अगर आप कभी ग्लासेस परचेज करने के लिए शॉप पे जाते हो तो वो ऑप्टिकल्स भी किसी शॉप का नाम होता है। ऑप्टिकल्स क्यों होता है? क्योंकि वो आइज से रिलेटेड होता है। तो इसको हम ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। ये नर्व्स यहाँ से और यहाँ से अंदर वाली साइड से भी, ये वाला पार्ट इसका ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। ये ब्रेन को जाके मैसेज देती हैं दैट यू आर एबल टू सी दिस। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी ऑप्टिक नर्व्स आपके ब्रेन को फौरन से मैसेज देती हैं, फिर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक्चुअली योर ब्रेन इज़ द मास्टर ऑफ योर बॉडी। अब आप देखो, आप मेरी बात सुन भी रहे हो, उस पर अमल भी कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो वॉचिंग द थिंग्स अराउंड यू। आपकी सराउंडिंग में भी कुछ हो रहा होगा, अगर आपकी बॉडी पे किसी जगह पे एचिंग हो रही है तो आप वहाँ पे रब भी कर रहे हो। यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स टुगेदर, योर ब्रेन इज होल्डिंग एवरीथिंग अराउंड यू। सो आर आईज आर ऑल्सो लिंक्ड विद द ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल ऑफ द ह्यूमन आई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटन वर्क दैट यू आर सपोज टू डू। लेट मी शो यू द बुक। After watching the video, you have to do the reading of this page, page number 6. इसमें आपको सिर्फ यही बताया जो मैंने अभी आपको explain किया about the eyelid and eyelashes and the structure of the eye. आपको ये देखो यहाँ पे भी बता रहा है, when you are able to see the thing first time, वो आपको upside down नज़र आती है। ये देखो tree आपको opposite करके दिखा रहे हैं वो, like this, okay? There are three questions that they have asked in this page. Number one is, what part does the brain play in helping you see? तो आपका ब्रेन क्या रोल प्ले करता है आपको देखने में? तो यू विल बी सेइंग दैट आर ब्रेन चेंज द अपसाइड डाउन ऑफ द इमेज वट एवर वी आर सीइंग। यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस क्वेश्चन ऑन द नोटबुक, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वट डू द आईलिड्स एंड आई लैशेज डू? दिस इज यू हैव टू डू ऑन द नोटबुक। मैं भी आपको करवाती हूँ। हाउ डू यू सी एन इमेज? जब आप फर्स्ट टाइम किसी इमेज को देखते हैं तो हाउ डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक अपसाइड डाउन, जस्ट द वे दिस ट्री इज लुकिंग टू यू। अपसाइड यहाँ पे आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है, बट आपकी आईज में ऐसा होगा, फिर आपका ब्रेन उसको करेक्ट करके आपको दिखाता है। ओके, so this is all about today about the topic of the eye. okay, one interesting fact that I forget to tell you. आपको पता है जो newborn baby होता है, जो उसकी eyes का size होता है, जब first day होता है, उसके बड़े हो जाने तक उसकी eyes का size same रहता है। let's suppose अगर आप अभी जिस भी age में हो, like you are of age 8 or 9 or 7 years, तो जब आप small baby थे, आपकी आईज का साइज जो उस टाइम था, आज भी आपकी आईज का साइज वही है। हमारी बॉडी का हर पार्ट ग्रो करता है साइज में, एक्सेप्ट आर आईज। आईज जो अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग में बनाई होती है वो हमेशा ऐसे ही रहती हैं। आज अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कितनी ज़्यादा एज के हो जाते हैं, बट उनकी आईज का साइज हमेशा सेम रहता है। सो दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट योर आईज साइज विल रिमेन द सेम। नाउ लेट्स डू सम रिटन वर्क ऑन द बोर्ड। Your question will be, what do the eyelids and eyelashes do? You have to write the topic eye, then you will be writing the question 2, because we are already done with question number 1. Answer, you will be writing, eyelids close quickly if your brain senses danger. जैसे आपके ब्रेन को कोई ख़तरा फील होता है, कोई डरने वाली चीज़ होती है, तो आपकी आईलिड फ़ौरन से क्लोज हो जाती हैं। जैसे आप अक्सर गेम्स में भी करते हो कि आप किसी की आईज को ऐसे आगे से उसके हाथ आईज के ऊपर फ़ौरन से हाथ ऐसे मूव करते हैं, तो वो दैट पर्सन जस्ट क्विकली क्लोज द आईज। उसको डर होता है कि शायद वो हाथ उसके सर पे ना लग जाए। या फिर अगर बहुत ज़्यादा ऊंची कोई आवाज़ हो, तो हालांकि आवाज़ से तो आपको कुछ नहीं होना होता, बट फिर भी डरने की वजह से आपकी आईज हमेशा से क्लोज हो जाती हैं। अगर आपको कोई गुस्से से डांटे या शाउट करे तो तभी आपकी आईज डेंजर से क्लोज हो जाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट द आईलिड डू। आई लैशेज़ के बारे में यू विल बी राइटिंग, आई लैशेज़ ट्रैप डस्ट एंड अदर टाइनी पार्टिकल्स। जो भी कोई डस्ट या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं हमारी इन्वायरमेंट में, उससे आपकी आईज़ को प्रोटेक्ट करता है, ट्रैप करता है और आईज़ में जाने से रोकता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक ह्यूमन आई एंड द क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू डू। आप फर्स्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो, then you have to do the reading, then at the end you are supposed to do this question on the notebook with neat and clean handwriting. also you have to mention the date as well. after writing the question you are supposed to memorize the answer as well. aap isko yaad bhi karna hai, yaad karne ke baad rough notebook par write karke practice bhi karni hai, that either you have learned it or right or not. so this is all about today. In your next class, I will be asking you the question related to this topic. मैं आपके names call करूँगी and you have to give me the answers in the comments. फिर हम next lesson start करेंगे. Your next topic will be about the human ear.
दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आई विल शो यू द मॉडल रिलेटेड टू दैट. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. डू यू वर्क ऑन टाइम एंड ऑल्सो सबमिट इट ऑन द गूगल क्लास रूम इन अबाउट द ह्यूमन आई एंड ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन स्किन दैट वी हैव लर्न इन आर प्रीवियस लेसन ऑफ साइंस.